आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूं कि कैसे मैं अपने लिए पेनी स्टॉक सेलेक्ट करता हूं। क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई पेनी स्टॉक बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, और वो भी लाइव सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए खुद पेनी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेनी स्टॉक होता क्या है। तो देखिए, अगर यूएस की टर्म्स में देखें तो हर वो स्टॉक जिसकी प्राइस $1 से कम है उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है, लेकिन इन्वेस्टोपीडिया के अकॉर्डिंग वो स्टॉक जिसकी प्राइस $5 से कम है उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। और अगर हम इंडियन टर्म्स में समझें तो कुछ लोग कहते हैं जिसकी प्राइस ₹10 से कम है वो पेनी स्टॉक है, कोई कहता है ₹50 से कम वाला पेनी स्टॉक है, कोई कहता है ₹100 से कम वाला पेनी स्टॉक है। यानी कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है पेनी स्टॉक की, लेकिन हम जानते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स में उन स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जिनकी प्राइस भी कम हो और जो आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सके। तो देखिए, हमारा जो पर्पस है ना इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि हम आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का तरीका सिखाएं जो कि मोस्टली सेफ हों। तो यहां पर हम उन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स मानेंगे जिनकी प्राइस ₹100 से कम है। अब देखो, जनरली लोग प्राइस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही एक स्टॉक को पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ स्टॉक की प्राइस कम होने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ ही उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी बड़ी है या फिर छोटी, ये उसकी प्राइस पर नहीं बल्कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली वो तरीका सीखेंगे जिससे आप अपने लिए पेनी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि जो MRF का शेयर है उसके एक शेयर की प्राइस ₹1,20,000 के आसपास है, और जो रिलायंस का शेयर है उसके एक शेयर की प्राइस लगभग ₹2,800 के आसपास है। तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बड़ी है, MRF बड़ी कंपनी है या फिर रिलायंस बड़ी कंपनी है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पेनी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए मैं जिस वेबसाइट का यूज करता हूं ना, उसका नाम है स्क्रीनर। क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद इसको यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आ गए हम स्क्रीनर की वेबसाइट में। अब यहां पर हमें एक स्क्रीन का सेक्शन मिलता है, यहां पर आपको स्क्रीन्स का सेक्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि वो सभी फिल्टर्स लगाएंगे जिसके हिसाब से हमें अपने लिए स्टॉक ढूंढना है। देखो, स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनी है, तो हर एक स्टॉक को तो एनालाइज नहीं किया जा सकता, और अगर 100 से कम प्राइस वाले भी ढूंढे ना तो भी 1,000 से ज्यादा कंपनीज निकल आएंगी। तो हमें बहुत सारे फिल्टर्स लगाकर अपने लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है। तो पेनी स्टॉक को ढूंढने के लिए सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, और कितनी कम ये हमने आपको बताया कि उसकी प्राइस ₹100 से कम होनी चाहिए हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके लिए पेनी स्टॉक ₹50 से सस्ते स्टॉक्स हो, तो आप यहाँ पे 50 लिख के सर्च कर सकते हैं। तो अब सर्च करना कैसे है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले शेयर की प्राइस का फिल्टर लगाना है। तो हम यहाँ पर करंट प्राइस लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर करंट प्राइस लिख लिया है। अब वो प्राइस कितने रुपए से कम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ₹100 से कम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेस देन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस लिख देनी है जो कि है ₹100। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है कि शेयर की प्राइस ₹100 से कम होनी चाहिए। अब इतना ही अगर मैं फिल्टर लगा के सर्च करूँ ना, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 2200 कंपनीज देखने को मिल रही हैं, यानी 2200 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिनकी प्राइस ₹100 से कम है। तो सिर्फ प्राइस के बेसिस पर तो हम स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मार्केट कैप पे मैंने क्लिक किया तो एक ये कंपनी है IOB जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1,34,000 करोड़ है, और उसके शेयर की प्राइस सिर्फ ₹71 है। तो जो कंपनी ₹1,34,000 करोड़ की है, क्या वो एक पेनी स्टॉक होगा? जाहिर सी बात है नहीं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढने हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो। अब जनरली इन्वेस्टर यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती होती है कि वो समझते हैं कि हमें छोटी से छोटी कंपनी ढूंढनी है ना, तो वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, चाहे आपको कहीं न्यूज में सुनाई दे, चाहे आपको कोई भी वो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हो, लेकिन अगर इतनी छोटी कंपनी है तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस मैनिपुलेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें सेफ चलना है तो कम से कम कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो 1,000 करोड़ से ज्यादा ले लीजिएगा, और क्योंकि हमें पेनी स्टॉक चाहिए तो फिर 5,000 करोड़ से कम ही रखते हैं।
तो अब हमें जो नेक्स्ट फिल्टर लगाना है वो ये है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और 5000 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो एक फिल्टर लगाने के बाद अगर हमें दूसरा फिल्टर भी लगाना है तो हमें बीच में एंड लिखना होता है, तो हमने लिख दिया है एंड। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिल्टर है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे मैंने क्लिक किया और ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितने से ज्यादा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 500 करोड़ से ज्यादा। तो अब आपको सिर्फ 500 लिखना है, ये जो मार्केट कैप की वैल्यू है ये यहाँ पर करोड़ की फॉर्म में ही होती है। अब इसके बाद हमें दूसरा फिल्टर लगाना है, वो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, 5000 करोड़ से कम होनी चाहिए। 500 करोड़ से ज्यादा तो लगा दिया है, तो अब 5000 करोड़ से कम वाला फिल्टर लगाते हैं, तो यहां पर हमने 5000 लिख दिया है। अब अगर हम सर्च करते हैं इसके बाद, तो अब देखिए हमारे पास कितने स्टॉक्स निकल कर आते हैं, तो जहां इससे पहले हमारे पास 2200 स्टॉक्स निकल कर आ रहे थे, अब हमारे सामने सिर्फ 180 स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप 180 स्टॉक्स को भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियों जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो, तो पहले ही कंपनी हम छोटी ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर अगर कर्ज भी ज्यादा होगा तो वहां पर हमारा रिस्क बढ़ जाएगा और हमें सेफ चलना है। तो इसलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे वो होगा डेट टू इक्विटी, जिसमें हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा डेट ना हो। तो अब नेक्स्ट फिल्टर लगाने के लिए हमें यहां पर लिखना है एंड, और एंड लिखने के बाद हम यहां पर लगाएंगे डेट टू इक्विटी, ये हमने लगाया और ये कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो यहां पर हमने 1 लिख दिया है, और इसके बाद अगर हम दोबारा से इस क्वेरी को रन करते हैं तो अब देखिए 180 से स्टॉक्स घटकर 130 हो चुके हैं, यानी 50 ऐसी कंपनी थी जिनके ऊपर ज्यादा कर्ज था। तो चलिए अब हमने ऐसी कंपनी ढूंढ ली है जिनके ऊपर उतना ज्यादा कर्ज नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट फिल्टर हमने लगाना है उसको लगाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं ना, इतना लोग पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि रिलायंस बड़ी कंपनी है या फिर MRF, ये कॉमेंट करके जरूर बताना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है उसको लगाने के लिए भी हमें पहले एंड लगाना होगा, और एंड लगाने के बाद हमें लगाना है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, तो देखिए एक कंपनी के पास दो तरीके से पैसे आ सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, पहला है डेट यानी कर्ज, और दूसरा है इक्विटी यानी अपने शेयर्स बेचकर। तो शेयर्स बेचकर जो कंपनी के पास पैसा आया है उस पैसे को हम कहते हैं इक्विटी। तो अगर हमें देखना है कि एक कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या फिर नहीं, तो इसके लिए एक अच्छा पैरामीटर होता है ये पता करना कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितने रिटर्न्स जनरेट कर रही है। तो हमारे हिसाब से कम 15% के रिटर्न्स जनरेट करने चाहिए। तो हम नेक्स्ट फिल्टर लगा रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मैं ROE लिख रहा हूं, और ROE लिखते यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है रिटर्न ऑन इक्विटी का, और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये होना चाहिए हमारा 15 से ज्यादा। तो यहां पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है और उसके बाद हमने 15 लिख दिया है। अब इसके साथ ही जो एक और फिल्टर हमें लगाना है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब देखिए हमने ये तो जज कर लिया कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितने रिटर्न्स कमा रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास दो तरीके से पैसा आता है, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। तो अब हमें ये जानना है कि जो टोटल पैसा है कंपनी के ऊपर जो कंपनी ने बिजनेस में लगाया है, यानी जो इक्विटी से आया हो या फिर चाहे जो डेट से आया हो, उसके ऊपर कंपनी कितने रिटर्न्स कमा रही है। तो ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि 15% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कर्ज के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होता है। तो यहां पर हमें जो नेक्स्ट फिल्टर लगाना है वो है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको लगाने के बाद भी ये 15 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। तो यहां पर हमने लगाया है 15। अब ये सब लगाने के बाद अगर मैं स्क्वेरी को रन करता हूं तो इससे पहले हमारे सामने 130 स्टॉक्स निकल कर आए थे, अब देखो सिर्फ 24 ही ऐसी कंपनी निकल के आई है जो कि 15% से ज्यादा इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न कमा के दे रही है और 15% से ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न कमा के दे रही है। तो अब हमारे जो स्टॉक्स हैं वो 24 हो गए हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही फिल्टर्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि स्टॉक अच्छा है या बुरा, अभी हमें और भी फिल्टर्स लगाने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट फिल्टर हमें लगाना है वो है प्रमोटर होल्डिंग।
अब ये प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है? तो देखो, जो भी लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है उस कंपनी का प्रमोटर, या फिर जो भी उस कंपनी को रन कर रहे हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। तो सिंपल सा समझो कि कंपनी ना खुद नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग आइडियाज लगाने होते हैं। तो वो आइडियाज प्रमोटर जो कंपनी के मालिक हैं वो तभी लगाएंगे जब उन्हें उस कंपनी में कोई फायदा दिखाई देगा, और वो फायदा तभी होगा जब उनकी उस कंपनी में ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी। अगर मान लीजिए प्रमोटर्स की कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग है ही नहीं तो फिर वो क्यों मेहनत करेगा? क्योंकि कंपनी फिर चाहे 1000 करोड़ की हो जाए उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। लेकिन अगर कंपनी के प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग होगी तो फिर वो मेहनत करेगा, क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसका भी प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो जब हम पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं वहां पर हमें प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज हो जाती हैं उनमें प्रमोटर होल्डिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए प्रमोटर होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहां पर नेक्स्ट जो फिल्टर लगा रहे हैं वो है प्रमोटर होल्डिंग का। अब देखो, जनरली माना जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर 50 से ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें ना तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जहां पर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो इसलिए यहां पर मैं उन कंपनीज को सेलेक्ट कर रहा हूं जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 30% से ज्यादा है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी कंसीडर जरूर कीजिए, स्पेशली जब आप एक पेनी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 30% से ज्यादा सेलेक्ट कर दी है। तो इससे पहले हमारे सामने 24 स्टॉक्स निकल कर आए थे, अब वो घटकर हो गए हैं 22। अब इसके बाद फिर से हम कुछ फिल्टर लगाते हैं, और अब जो हम फिल्टर लगा रहे हैं वो है प्लेज्ड परसेंटेज का। देखो, कई बार प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है लेकिन उन्होंने उस होल्डिंग को गिरवी रख रखा है, तो अगर थोड़ा बहुत होल्डिंग को गिरवी रख के लोन लिया है तो उसमें ज्यादा बुराई नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बहुत ज्यादा होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है तो ये एक कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो हमें नेक्स्ट फिल्टर प्लेज्ड परसेंटेज का लगाना है, और वो जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो मेरे अकॉर्डिंग 5% से कम ही हो। आपके केस में हो सकता है आपको लगे कि नहीं, 10% भी दी हो तो मुझे चलेगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आपके हिसाब से हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें मैक्सिमम 5% तक की होल्डिंग्स प्लेज्ड अगर हो तो चलता है। तो इसलिए यहां पर मैंने प्लेज्ड परसेंटेज 5 से लेस कर दिया है। अब अगर इस फिल्टर को लगाएं तो इससे पहले 22 आ रही थी, अब एक घटकर 21 कंपनीज हो चुकी है। यानी एक ऐसी कंपनी थी जिसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 5% से ज्यादा होल्डिंग्स को गिरवी रखा हुआ था। अब देखो, हमने अभी तक बहुत सारे फिल्टर्स को लगा दिया है, लेकिन हमें एक कंपनी से तभी बेनिफिट होगा जब उस कंपनी की सेल्स बढ़ रही होंगी या उसके जब प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट फिल्टर हमें लगाना है वो है सेल्स ग्रोथ का। लेकिन ध्यान रखिए कि सिर्फ एक साल की सेल्स ग्रोथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक साल किसी और रीजन की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है। तो मिनिमम 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें, तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स हम मान के चल रहे हैं कि वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। यानी हर साल 10% से ज्यादा कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो। अब देखिए, जब ये फिल्टर लगा देता हूं तो इसके बाद हमारे सामने 18 कंपनीज निकल कर आती हैं, यानी 3-4 कंपनीज और कम हो गई हैं। लेकिन यहां पर हमें एक और फिल्टर लगाना है, क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट फिल्टर मैं लगा रहा हूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 3 साल का ही हम यहां पे बात करेंगे, वो भी 10% से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, ज्यादा लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर किसी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% है, 50% है, 100% है, वो सारी कंपनीज इसमें आ जाएंगी। हम यहां पे एक मिनिमम क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि 10% से ज्यादा हो तो अच्छा है। तो हमने प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से ज्यादा कर दिया है। अब फिर से मैं इस क्वेरी को रन करता हूं, तो जैसे हमने क्वेरी को रन किया है तो अभी भी हमारे पास 18 कंपनीज निकल कर आई हैं। तो अभी हमारे पास 18 ऐसी कंपनी है जिनमें ये सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर को यहां पे लगाते हैं, जिस फिल्टर को लगाए बिना अगर आपने मान लीजिए कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है कि उस स्टॉक को बाय करने के बाद आप उसे सेल ही ना कर पाए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही ना हो। तो अगर आप एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर वॉल्यूम अच्छा खासा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होगा तो पहले तो जो स्टॉक मार्केट के फ्रॉड होते हैं, चोर होते हैं, वो लोग उस स्टॉक को मैनिपुलेट आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, कई बार उस स्टॉक में वॉल्यूम कम होने की वजह से आप उससे बाय कर लेंगे तो बेच ही नहीं पाएंगे, या फिर हो सकता है बाय ही ना कर पाए। तो अब हमें देखना है ऐसे स्टॉक्स जिनका जो वॉल्यूम है वो कम से कम 2 लाख होना चाहिए।
देखिए हम यहां पर 100 रुपए से सस्ते स्टॉक्स देख के चल रहे हैं, तो वहां पर हमें 2 लाख का वॉल्यूम कम से कम चाहिए। अगर मान लीजिए आप 500 या 1000 रुपए के स्टॉक में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा कम वॉल्यूम भी चल जाएगा, 50-60 हजार का, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रिक्टली 100 रुपए से सस्ते स्टॉक्स देख रहे हैं तो वहां पर ज्यादा वॉल्यूम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर वॉल्यूम लिखते हैं और वो वॉल्यूम भी मैं 1 ईयर का एवरेज देख रहा हूं, तो 1 साल का जो एवरेज वॉल्यूम है वो मेरे अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर से मैं ग्रेटर देन का साइन लगाता हूं और यहां पर हमने लिखना है 2 लाख। तो 1 साल का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे पंप एंड डंप की वजह से स्टॉक में एक बार अचानक से 50-100 लाखों का वॉल्यूम आ जाएगा, बट उसके बाद बिल्कुल ही वॉल्यूम ना हो। तो हमें पिछले 1 महीने का भी वॉल्यूम देखना है और उसका भी एवरेज देखना है। तो इसके लिए हम फिर से एंड लगाते हैं। अगर आप एंड नहीं लगाएंगे बीच में तो फिर आपकी क्वेरी रन नहीं हो पाएगी, तो आपने एंड जरूर लगाना है। और उसके बाद हम वापस से वॉल्यूम लगाते हैं और इस बार हम 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम लगाते हैं और ये भी मेरे अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए अगर आपको उस स्टॉक को बाय करना है और आसानी से सेल करना है। तो यहां पर हम फिर से 2 लाख लगा देते हैं और इसके बाद अगर मैं क्वेरी को रन करता हूं तो अब आप देखेंगे कि हमारे सामने 16 स्टॉक्स निकल कर आ चुके हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं जो कुछ हमने इस फिल्टर में लगाया है। अब जब आपके सामने 16 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं तो अब हो सकता है कि आप इसमें और ज़्यादा फिल्टर करना चाहें, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये क्वालिटी भी चाहिए वो क्वालिटी भी चाहिए। तो अगर आपको और कोई ऐसा क्राइटेरिया फील होता है कि नहीं मुझे ये भी लगाना है तो आप उस क्राइटेरिया को भी लगा सकते हैं और उससे आपके जो स्टॉक्स हैं और ज़्यादा फिल्टर होते चले जाएंगे। बट मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे क्राइटेरिया पता ही नहीं होंगे, हो सकता है जितने क्राइटेरिया आज मैंने आपको बताए इनको ही आपने पहली बार इनका नाम सुना हो, तो बाकी क्राइटेरिया आपको पता कैसे चलेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिस वीडियो में हमने और भी बहुत सारे क्राइटेरिया को डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें हमने हर एक क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप हमारे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जब इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद हमारे सामने 16 स्टॉक्स निकल कर आए हैं तो आप 16 के 16 स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं और करनी है भी नहीं, क्योंकि अभी भी इन स्टॉक्स को हमने अच्छे से एनालाइज करना है। हमारा काम यहां पर आसान हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको अब एनालिसिस करना होगा इन 16 स्टॉक्स के ऊपर। पहले जहां आपको 2200 स्टॉक्स पे एनालिसिस करना होता जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, अब आपके पास सिर्फ 16 स्टॉक्स रह गए हैं जिन पे आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब एनालिसिस करने के लिए यहां पर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहां पर आपको एक पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो देखिए पी रेशियो का फिल्टर मैंने वहां पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पी रेशियो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ऑल दो और भी जो मैंने क्राइटेरिया वहां पे लगाए थे जैसे डेट टू इक्विटी वो हम बैंक स्टॉक्स में नहीं देखते हैं, तो अगर आप उसको लगा देंगे तो आपको बैंक वाले स्टॉक्स वहां पे नजर ही नहीं आएंगे। तो ये सब तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बातें हैं जो कि यहां पे सिखाई नहीं जा सकती है और उसी के लिए हमने अपना कोर्स बना रखा है जिसको बनाने में हमने 6 महीने लगाए थे। बट फिर भी कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाता हूं, जैसे यहां पे पी रेशियो देखने को मिल रहा है तो पी रेशियो से हम कंपनी की वैल्यूएशन पता करते हैं, मतलब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी सस्ती मिल रही है या फिर महंगी मिल रही है। और जनरली माना जाता है कि कंपनी का जो पी रेशियो है अगर वो अपने इंडस्ट्री पी से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ती मिल रही है, और इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी महंगी मिल रही है। लेकिन अब इंडस्ट्री पी क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अब अगर आपको पता करना है कि एक कंपनी का इंडस्ट्री पी क्या है तो फिर उस सेक्टर की जो टॉप 3 कंपनीज हैं या टॉप 4 कंपनीज हैं आप उनका पी रेशियो और उनका एवरेज निकालिए और उसके बाद पी रेशियो से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन जनरली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 50 से ज़्यादा है और आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वहां पर रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा, और अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ही कम है, मान लो 6, 7, 8, 10 है, तो उसमें भी कई बार कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से उसका पी रेशियो कम हो सकता है, तो उसको भी इग्नोर करो तो बेटर रहेगा। ये इन जनरल एडवाइस है, स्पेसिफिक एडवाइस डिफरेंट हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर हमने इन स्टॉक्स का नाम छुपाया क्यों है? इसलिए छुपाया है क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर हम आपको स्टॉक्स का नाम दिखा देंगे तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि हम चाहते हैं कि आप खुद से रिसर्च करें, खुद से सीखें, इसलिए हमने स्टॉक्स का नाम छुपा रखा है। तो पहला तो आपने पी रेशियो को देख लेना है,
इसके बाद यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, जो कि आपको क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन के नाम से यहां पर दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। तो देखिए ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में हम इस क्वार्टर को पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं और तब देखते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ी है या फिर घटी है। तो ऐसे में भी कंपनी की सेल्स बढ़ रही होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद कि आपको दिखाई देता है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स बहुत ही ज्यादा घट गई है। जैसे ये कंपनी है जिसकी सेल्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 96% घट गई है। तो इतनी अगर कंपनी की सेल्स घटी है तो फिर वो कंपनी भी तो खराब ही हुई ना, तो उस कंपनी को भी आपने इग्नोर करना है। यहां पर भी देखिए 50% घट गई, 40% घट गई, 40% घट गई, 15% घट गई। तो अगर किसी कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा घट रही है तो वो कंपनी भी काफी ज्यादा रिस्की है। तो आपने ऐसी ही कंपनीज देखनी है जिनकी सेल्स भी बढ़ रही हो। इसके साथ ही यहां पर आपको क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये भी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की तरह ही होता है, बस इसमें हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस साल के सेम क्वार्टर के प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा होना चाहिए ना, तो वो भी अगर किसी कंपनी का बहुत ही ज्यादा घटा है तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। थोड़ा बहुत किसी क्वार्टर में घट सकता है लेकिन उसके पीछे भी आपको रीजन पता करना होगा। तो ये चीजें भी आपने देख लेनी है और उसके बाद आपके सामने जो स्टॉक्स निकल कर आते हैं आपने उन स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको लगता है कि अगर स्टॉक अच्छा है तो आप अपने रिस्क पर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो फिल्टर्स भी मैंने आपको बताए उनको भी आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा या घटा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने लिए सबसे पहले स्टॉक्स को फिल्टर करता हूं, उसके बाद हर एक स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करता हूं, और जब मुझे लगता है कि हाँ ये स्टॉक ठीक लग रहा है तब जाके मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने सीखा होगा कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और हमारे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। साथ ही अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।